तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा पहला ट्रिक के लिए आपको मैं कुछ इमोट बता रहा हूँ। वो वाला इमोट चाहिए, पहले आपको इमोट सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला लैसो इमोट और ये वाला सिमी इमोट चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो, उसके बाद नीचे चल जाना। अब जो नया इमोट आया है ना, मैं दिखा लेता हूँ, ये वाला इमोट, ठीक है। तो ये वाला इमोट को आप यूज़ करना, ठीक है। ये वाला इमोट को यूज़ करके आप लैसो इमोट को यूज़ कर देना, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, मतलब हमारा कैरेक्टर का सर गायब हो चुका है एकदम, मतलब बिल्कुल गायब हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ। तो आप पहले थंबनेल में तो देखा ही होगा, तो मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, आपको पहले वो नया वाला इमोट यूज़ करना है, उसके बाद लैसो इमोट को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप सिमी इमोट को भी यूज़ करते हो, मतलब कर सकते हो, ठीक है। वो भी ऐसा ही, मतलब शेर गायब हो जाएगा। मैं ये दो इमोट ट्राई करके दिखा, इसमें वर्किंग होता है, ठीक है। तो आप अगर कोई दूसरा इमोट देख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो में वो वाला छोड़ सकूं। हाँ, और एक ट्रिक है जो कि, मतलब मैं दिखा लेता हूँ आपको, एक सेकंड, मैं एक दो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं एक दो बार और करके दिखा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप मतलब अच्छे से देख सको। पहले ये वाला इमोट यूज़ करना है, उसके बाद ये वाला इमोट यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एक दो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि मतलब वीडियो के थंबनेल में बन रख सकूँ, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, ये वाला इमोट मैं मतलब नहीं लिया ना, तो इसीलिए नीचे आना पड़ता है, दिक्कत होता है। तो हो गया मेरा वीडियो के लिए स्क्रीनशॉट। अभी मैं बढ़ता हूँ अगला ट्रिक के लिए, मतलब अगला ट्रिक नहीं, यही ट्रिक है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग दिखाएंगे। जैसे कि देख सकते हो, ये वाला इमोट जब यूज़ करोगे ना तब आप, ठीक है, तो आप क्या करना है कि आधा इमोट यूज़ हुआ होगा तो आप मतलब सिमी इमोट को क्लिक कर लेना। मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ, ये वाला थोड़ा नहीं हुआ, मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ। पहले ये वाला इमोट यूज़ करना है, उसके बाद लैसो इमोट यूज़ करना है, उसके बाद जैसे ही सर थोड़ा निकलेगा तो सिमी वाला इमोट यूज़ कर लेना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, जैसे कि मतलब कैरेक्टर का सिर कितना छोटा दिख रहा है, मतलब देख सकते हो, ये वाला मतलब कितना कूल दिख रहा है ना। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ, ताकि आपको दिखाई मतलब यकीन हो जाए। जैसे कि देख सकते हो, पहले ये वाला इमोट, उसके बाद ये वाला, उसके बाद थोड़ा सा जब सिर निकलेगा तो दूसरा वाला सिमी वाला। जैसे मतलब इस बार ना इतना छोटा हो गया ना, तो मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे देख सकते हो, मतलब पूरा छोटा सा सिर है। तो आप भी करके देख सकते हो। हाँ, ये सिर्फ इसी बंडल में वर्किंग नहीं करता, कर सकता, मतलब सारे बंडल में करता है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो मैं दूसरा बंडल में भी करके दिखा लेता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि सब बंडल में वर्किंग करते हैं, सिर्फ इसी बंडल में नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हो, मतलब इसमें भी वर्किंग कर रहा है, इसमें छोटा सा सिर दिख रहा है। तो मैं फिर से कर लेता हूँ, कहता है कि मतलब छोटा सा दिख रहा था, बहुत बंदों को दिख भी नहीं रहा होगा। तो जैसे कि देख सकते हो, पहले ये वाला इमोट करना है, उसके बाद जब छोटा सा सिर निकलेगा तो दूसरा वाला यूज़ कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो, नहीं, ये वाला नहीं हुआ, तो मैं दिखा लेता हूँ। तो मैं एक आखिरी बार दिखा लेता हूँ, तो अगली बार हम दूसरे मतलब ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आखिरी बार मैं नीचे जाके दिखा लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, मतलब इस बार कितना छोटा सिर दिख रहा है, तो देख सकते हो जैसे कि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो गाइस, इस बार मतलब जब मैं रैंक पुश कर रहा था ना, तो गलती से ये मतलब इन्वेंशन मैंने किया है। जैसे कि देख सकते हो, मतलब क्रोनो जो कैरेक्टर है ना, उसके अंदर मतलब जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका दांत दिख रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार मतलब कोई कैरेक्टर में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई भी कैरेक्टर के अंदर दांत नहीं दिया है, पहली बार क्रोनो के अंदर दिया है। पता नहीं, मतलब कैरेक्टर में ऐसे ही तो नहीं दिखता है ना उसका दांत, तो क्यों दिया है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप खुद जाके ट्राई कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर पे नहीं दिखेगा, लेकिन क्रोनो पे दिखेगा। ऊपर से मतलब इतना मतलब व्हाइट व्हाइट दांत दिया है, तो क्रोनो का मतलब पता नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला ट्रिक की तरफ। तो अगला ट्रिक बेसिकली एक ट्रिक है, मतलब जो कि बहुत बंदों को पता नहीं है, तो हेल्प हो सकता है। तो जैसे कि देख सकते हो, मतलब बहुत बंदे ग्रेनेड यूज़ करते हैं, तो ऐसे मतलब फेंकते हैं, ठीक है, तो ग्रेनेड जाके फट जाता है। जब मतलब पिक करते हैं ना, टाइमिंग करते हैं, तो उनको कैंसिल कहाँ से करना है नहीं पता होता है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो, मतलब कैंसिल का बटन कहीं पे भी नहीं आता है। तो एक्चुअली आपको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा,
स्ट्रिपर सिर्फ जहाँ पे क्लिक टू स्विच ऑप्शन दिया है ना उधर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मतलब मैं कैसे मतलब एकदम लास्ट में कैंसिल कर लेता हूँ, फिर से करके दिखा लेता हूँ, एकदम लास्ट में कैंसिल करूँगा मतलब मौत को छू के वापस आ जाऊँगा। जैसे कि देख सकते हो मतलब फिर से ट्राई कर लेता हूँ एकदम, ये इस बार तो पूरा मतलब एंड में करूँगा कैंसिल। तो बहुत बंदों को नहीं पता होता है, मैंने खुद देखा तो इसीलिए वीडियो बनाया है कि मतलब बहुत सारे बंदों को नहीं पता है। तो जैसे देख सकते हो इस बार ना मतलब एकदम लास्ट में जाके करूँगा। अरे यार एकदम छोड़ो यार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो गाइस अगले ट्रिप के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ट्रेनिंग में आ सकते हो, क्लासिक में भी जा सकते हो, लेकिन मेरे को अच्छा लगा ट्रेनिंग में तो इसलिए मैं ट्रेनिंग में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई से भी एक गन ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो अटैचमेंट वगैरह लगते हैं ना वो भी उठा लेना है, क्योंकि इसी का ही ट्रिक है। ट्रिक नहीं बेसिकली एक कूल चीज़ है, तो जो अपने दोस्त को दिखा सकते हो आप, समझ रहे हो। तो मैं दिखा लेता हूँ, पहले मैं ले लिया सब कुछ जो जो हमको चाहिए इस ट्रिक के लिए। तो अभी जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में करने के लिए, मार लेते हैं यार ये लोग, वीडियो भी बनाने नहीं देते, छोड़ो यार। तो पहले आपको कोई से भी अटैचमेंट मारने से पहले इसी तरीके से कुछ रख लेना है बाहर, ठीक है। ये वाला नहीं रहा तो मैं फिर से करके आपको दिखा लेता हूँ, कुछ इस तरीके से रखना है जैसे कि मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर एक बंदा है, मैं रख लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मैं मरने के मतलब जब मैं मर रहा हूँ तो स्ट्रोक को मैं बाहर करके रखा था, ठीक है, गिरा नहीं था मतलब वहाँ पे भी टच करके रखा था, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मतलब सारे अटैचमेंट पिंक कलर है लेकिन स्ट्रोक जैसे मतलब ब्लैक कलर का दिख रहा था। मैं फिर से दिखा लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हो, इसीलिए आपको एक एक मतलब एक एक अटैचमेंट को ऐसे पकड़ के मरना है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो ये दूसरा अटैचमेंट भी मैं ऐसे ही कर लिया। तो जैसे देख सकते हो दूसरा मतलब मजल भी ऐसे ही हो गया। तो अभी एक एक करके सारे को ट्राई करते हैं। ये वाला नहीं हुआ, थोड़ा आपको मतलब बाहर निकल के रखना है, ठीक है, नीचे मत गिरा देना है, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ रखना है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो। तो जैसे देख सकते हो आप ऐसे ही एक एक करके रख लेना, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो एक एक करके रख लेना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा अटैचमेंट जो कि अपना दोस्त को दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो गाइस जैसे देख सकते हो इस ट्रिक के लिए आपको आ जाना है इस वाले लॉबी में। तो ट्रोनो के पास आ जाना है और मतलब स्कोप बटन को ऑन करके जो कैप्चर का बटन है ना उसको क्लिक कर लेना है। तो जैसे देख सकते हो मेरा कैरेक्टर गायब हो गया, लेकिन जब आप इमोट यूज़ करोगे ना तभी वापस आ जाओगे, ठीक है। तो मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ, पहले ये वाला गलती, स्कोप ऑन करना है उसके बाद कैप्चर बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हो मेरा कैरेक्टर गायब हो गया है, तो अभी सिंपली एक इमोट यूज़ करूँगा वापस आ जाएगा। तो हमारा अगला ट्रिक के लिए आपको आ जाना है नदी के पास, वहाँ पे आके कुछ इस तरीके से आप पहले अंदर जाना, ठीक है, अंदर जाके जंप करके मिनिमाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ जादू होगा, तो जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पर कैरेक्टर एकदम पानी में खड़ा हो पाएगा, मतलब बैठ पाएगा, तैरेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मतलब हाँ मैं पहले ही बहुत वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप पानी में दौड़ सकते हो, मतलब बहुत सारे ट्रिक बना सका हूँ, करीब 5-6 ट्रिक तो बता चुका हूँ। तो मैं वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो अगले ट्रिक के लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में दो वेक्टर लेके। तो कुछ इस तरीके से आप मतलब एक वेक्टर का आमो ख़त्म करके डबल वेक्टर स्विच के बटन को क्लिक करके मतलब ऐसे ही कुछ अलग तरीके से फायर कर सकते हो, जैसे कि देखा आपने स्क्रीन में। मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले आप मतलब एक वेक्टर का गोली ख़त्म कर लेना, उसके बाद डबल के ऊपर स्विच क्लिक करके तो आप फायर करो। जैसे कि देख सकते हो मतलब कुछ अलग ही अंदर जैसे फायर कर रहा है मेरा कैरेक्टर। तो आप भी कुछ इसी तरीके से फायर कर सकते हो, मैं एक दो बार और करके दिखा लेता हूँ। तो गाइस वीडियो कर दो लाइक, और अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर हो सके तो अपने दोस्त को शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं फिर से करके दिखा लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हो। अरे अरे इस बार नहीं हुआ, थोड़ा सा ग्लिच हो गया। आप भी ट्राई कर लेना ट्रेनिंग ग्राउंड में, कभी कभी ग्लिच होगा लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो इस बार मतलब बिल्कुल हुआ, तो मेरे को ही मार दिया, तो कोई बात नहीं। तो गाइस मेरा आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगला वीडियो देखने के लिए। मैं डेली ऐसे ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो बाय बाय।